एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चॉकलेटी ओरियो सैंडविच, जिसे बनने में सिर्फ 10 मिनट्स लगता है। और ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इनफैक्ट बच्चों बस को नहीं, हम सबको ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ओरियो बिस्किट यूज़ करी है। आप यहाँ पर ओरियो बिस्किट कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेटी ओरियो बिस्किट यूज़ करी है और आप इसे देख ही रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यमी दिख रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी बना के तैयार करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया डार्क कंपाउंड चॉकलेट, होममेड बटर, ओरियो बिस्किट जिसे हमने क्रश कर लिया है, हर्षी सिरप, ये आपको ईजिली किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी, और वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हमने यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारे ब्रेड पे बटर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इस बटर की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है। यहाँ पर बटर अच्छे से लग चुका है, तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड डार्क कंपाउंड चॉकलेट। यह आपको किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर ये जो चॉकलेट है ये अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर से स्प्रेड करेंगे ओरियो बिस्किट जिसे हमने क्रश करके रख लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे एक और ब्रेड स्लाइस से। अब इसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑन करना है और तवे पे हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। बटर लगाने के बाद हम ये ब्रेड इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्रेड है एक तरफ से बिल्कुल क्रंची हो चुकी है। ध्यान रखें हमें ये प्रोसेस जो है बिल्कुल लो फ्लेम में करना है। और यहाँ पर इसका दूसरा साइड भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ध्यान रखें जब भी ऐसे क्रंची हो जाए, जब भी इसे तवे से हटाएं, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ओरियो बिस्किट डाली है जो कि इसमें क्रंचीनेस फ्लेवर लाने वाला है, और ऊपर से भी ये क्रंची बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसे कटर की हेल्प से अच्छी तरह से काट लेंगे। आप इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कटर की हेल्प से कटआउट कर दिया है ट्राइंगल शेप पे। मैं आपको इसके अंदर का दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये जो चॉकलेट हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं ये चॉकलेट जो है, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया है इसलिए इसकी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हर्षी सिरप जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा चॉकलेटी आने वाला है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर से डालेंगे चॉको चिप्स, ये आपको किसी भी शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे ओरियो बिस्किट जिसे हमने क्रश करके रख लिया था। और यहाँ पर हमारा चॉकलेटी ओरियो सैंडविच बनके तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा कि कितनी इजी है ये रेसिपी, और साथ में इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम समय की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फटाफट से आप भी ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके ऊपर से आप और भी ज़्यादा हर्षी सिरप लास्ट में डाल सकते हैं अगर आपको हर्षी सिरप पसंद है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। सो हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साक्षी फूड गैलरी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर चैनल। थैंक यू।